हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए एक राजस्थानी रेसिपी लेके आया हूँ, काठियावाड़ी भरवा मिर्च, जो कि एक स्पाइसी और चटपटा डिश है। तो इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे 6 लंबी वाली शिमला मिर्च, इसे हम बज्जी मिर्च भी बोलते हैं, जो कि बज्जी बनाने के लिए काम आती है। इसे हम बीच से काट के हम इसका सीड्स निकाल लेंगे ताकि ये कम स्पाइसी हो जाए। अब स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक पैन गरम कर लेंगे, डालेंगे हाफ टीस्पून हींग, हींग एक बार हल्का सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। अगर आपके पास सत्तू पाउडर है तो आप सत्तू पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। तो लेमन जूस इस डिश को थोड़ा चटपटा बना देता है। फिर हम डालेंगे 1/2 कप धनिया पत्ता, इसे हमने बारीकी से काट लिया है। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़े सूखे मसाले ऐड करने हैं, तो हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। तो ये सब मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि इसे हमें हमेशा चलाते रहना है, नहीं तो हो सकता है कि बेसन जल जाए, और इसे आपको बहुत ही स्लो फ्लेम में पकाना है। अगर आपने भूल के भी फ्लेम तेज कर दिया तो ये जल जाएगी। फिर आखिर में हम फ्रेंड्स ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अचार मसाला। तो मैं यहाँ इसमें आम अचार का मसाला यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर देता है, ज़्यादा ही फ्लेवरफुल कर देता है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारा स्टफिंग मसाला तैयार हो गया है, इसे हम एक बड़ी सी बॉल में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि ये मसाला बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया है, हम इसे थोड़ा वेट कर देंगे। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये उतना ड्राई ना रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो स्टफ़ करते वक्त ये बाहर भी निकल सकती है, या फिर हम जब इसे फ्राई करेंगे तब भी हो सकता है कि ये स्टफ मसाला बाहर आ जाए, मिर्ची से बाहर आ जाए। इसे अच्छी तरह एक स्पून से मिक्स कर लेंगे। फिर हम एक एक करके इसे इस बज्जी मिर्च के अंदर हम स्टफ़ करते रहेंगे। तो मैं आपको एक मिर्च में स्टफिंग करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह आपको बाकी सभी मिर्च में स्टफिंग कर लेना है। तो स्टफिंग करते हुए ध्यान दीजिएगा कि ये मिर्ची टूट ना जाए, अगर ये ज़्यादा टूट जाएगी तो फिर स्टफिंग बाहर भी आ सकता है। तो सब डालते वक्त थोड़ा दबा के स्टफ कीजिएगा ताकि ये अंदर की तरफ अच्छी तरह स्टफ हो जाए। तो देखिए इस तरह मैंने सारे मिर्च को स्टफ कर दिया है। अब हम फिर से एक सॉटे पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बहुत ही कम ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि ये जो रेसिपी है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है। फिर मैं इसे 2 के बैच में मैं इसे फ्राई करूँगा, क्योंकि ये छोटा पैन है, तो अगर मैं इसे ज़्यादा अगर पैक कर दूँगा तो फिर इसे फ्राई करने में स्टीर करने में दिक्कत हो जाएगी और स्टफिंग भी बाहर आ जाएगी। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप इसमें 4 या 5 भी ऐड कर सकते हैं और एक साथ फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह ये ब्राउन हो गया है, हमें इसे बंद करके थोड़ी देर पकाना है ताकि मिर्च भी अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि इसका स्किन जो होता है बहुत ही थिक होता है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम इसे बंद करके 2 से 3 मिनट पका लेंगे और इसे हम बीच में पलटते भी रहेंगे ताकि दोनों साइड अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। देखिए फ्रेंड्स ये कलर हमको चाहिए इसके लिए। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तब आप इसे निकाल सकते हैं। अभी ये अच्छी तरह ब्राउन हो गया तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे
और फिर हम जो बाकी के मिर्च हैं उसे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सेकेंड टाइम मैं बहुत ही कम ऑयल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पैन में अभी भी ऑयल थोड़ा बाकी है, तो इस टाइम मैं सिर्फ आधा ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ किया था, इस बार मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे बाकी के जो 3 मिर्च हैं वो भी मैं इसमें फ्राई कर लेता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे 3 मिर्च बाकी के वो भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें जो पहले हमने 3 मिर्च फ्राई किए थे हम उसमें डाल देंगे, और जो हमारा स्टफिंग मसाला जो बच गया था हल्का सा, हम इसे इसके साथ डाल के अच्छी तरह 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास अगर मसाला बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप डरिए मत, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये कम से कम 15 या 20 दिन आराम से चल जाएगा। तो इसे आप सेकेंड टाइम भी जब ये आप डिश बनाएंगे तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिश बहुत ही ड्राई है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे किसी ग्रेवी वाले डिश के साथ ऐसा साइड डिश यूज़ कीजिएगा, या फिर आप जब कोई पराठा बनाएंगे तब उसके साथ भी ये खा सकते हैं। एक्स्ट्रा मसाला डालने के बाद हम इसे हल्की तरह मिक्स करके हम इसे फिर से ढक के 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा राजस्थानी काठियावाड़ी स्टाइल भरवा मिर्च बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।